हाय नमस्ते, वेलकम टू मुंबई ऑनलाइन चैनल्स न्यू वीडियो। आज मैं बांद्रा, मुंबई का बांद्रा स्टेशन में पहुंच गया। एक स्पेशल वीडियो दिखाने वाला है मुंबई सीलिंग। बांद्रा इज वन ऑफ द ओल्ड स्टेशन ऑफ मुंबई बट स्टिल लुक ब्यूटीफुल। बांद्रा पुराना स्टेशन है मुंबई का, अभी भी अच्छा दिखता है, ब्यूटी दिखता है। अभी जो स्काई वॉक आप देख रहे ऊपर से, और मैं रिक्शा पकड़ने के लिए रिक्शा स्टैंड में जाके खड़ा कर रहे। रिक्शा का लाइन रहता है इधर, सिस्टमेटिक लाइन है इधर। वो सीलिंग शुरुआत होता है ना, हाँ वहाँ पे सीलिंग का गेट है। 50 रुपया है रिक्शा चार्ज। देखिए सीलिंग का एक डिस्टेंट व्यू यहाँ से दिख रहा है, लेकिन सामने सामने आएगा तो इतना ब्यूटीफुल है ये सीलिंग आपको देखने को मिलता। अभी मेरा रिक्शा वाला थोड़ा स्पीड लेके चला रहा है गाड़ी। अभी चलिए हमारे साथ सीलिंग देखने के लिए, द ब्यूटीफुल सीलिंग। ये जो सीलिंग आने से पहले हम लोग देख रहे हैं बाजू में जो ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन बाय महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। रास्ता बहुत अच्छा बनाया, और ये जो ब्रिज वगैरह अभी प्रोजेक्ट 15 साल पहले आ गया। एक ये रोड का साइड में लवर्स उसका प्राइवेसी लेके उधर खड़े हैं, और आगे हमारा स्पीड ले रहे गाड़ी। ये सीलिंग के पास पहुंचने का ज़्यादा लंबा नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। उसके पहले मैं रिक्शा से उतरने वाला है वहाँ से सीलिंग थ्रू में। देखिए अभी अंधेरा होने से पहले सूरज निकल रहा है, एक अच्छा क्लाइमेट है, ब्यूटीफुल सीनरीज व्यूज। अभी वो साइड में दूर से अभी भी दिखता है मुंबई का साउथ मुंबई, मुंबई का हार्टलैंड का पूरा व्यूज आप साइड से देख रहे हैं। अभी इधर से टर्न मार के आई ओवर से उधर गया हमारा गाड़ी। आगे सीलिंग का पहले टैक्सी स्टैंड का वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए साइड में व्यूज, वेरी ब्यूटीफुल सीन्स। आगे ब्रिज का नीचे से रोड है, फ्लाई ओवर के नीचे से रोड है, और आगे रिक्शा स्टैंड तक पहुँचेंगे जल्दी से जल्दी। वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है सीलिंग ब्रिज वहाँ से जाने के लिए कि हम इधर पहुँच गया। बांद्रा ऑलरेडी सीलिंग के प्रोजेक्ट के बॉर्ड दिख रहे हैं। मुझे टैक्सी वाला सामने से है, देखना है कितना है उसका रेट, एज पर मीटर होगा टैक्सी कितना लेंगे। चलो अपना वर्ली, हाँ वर्ली तक कितना जो मीटर होगा, हाँ मीटर है ना, कितना वो अपना टोल भरना पड़ता है। हाँ टोल 85। वर्ली कहाँ छोड़ना था? वर्ली वो अपना नेहरू प्लानिटोरियम, प्लेटोनियम सेंटर। हाँ हाँ प्लानिटोरियम और सेंटर में वहाँ से लंबा है क्या? क्या वहाँ से लंबा है आगे वर्ली ब्रिज के पास से? ब्रिज के पास से और जाना है जा? हाँ ब्रिज से जो राइट मारते थोड़ा आगे। अच्छा बोल रहे, ओके थैंक यू। हाँ मीटर चार्ज लेते हैं ना? हाँ मीटर है ना? हाँ मीटर, ओके थैंक यू।
दिखता है वो लंबा वो हाइट जो बिल्डिंग है दादर वेस्ट और साउथ मुंबई का। सीलिंग का दूसरा साइड है उधर दिखता है वो सागर का व्यू से, लेकिन अभी इधर नहीं दिखा सकते हम। अभी जो पीछे दिख रहे हैं हम अभी तक आया वो रास्ता है सीलिंग का। हमारा गाड़ी इधर स्लो हो गया क्योंकि वो वर्ली के आसपास पहुंच गया साउथ मुंबई, मुंबई सी साइड वर्ली। अभी फिर से और एक बार हम जो अभी तक आया वो रास्ता देख रहे हैं सीलिंग का पूरा। देखो हम बांद्रा से यहाँ तक आ गया जेके कपूर चौक वर्ली सी साइड वर्ली का ब्यूटीफुल व्यूज देखे। आगे चल रहे मुकेश अंबानी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया का, वो मुंबई में उसका बेटी का घर दिखा मुकेश अंबानी की लड़की का। अच्छा लड़की का घर है। अभी आगे हम आपको नेहरू प्लैनेटोरियम तक लेके जाएंगे, वहाँ तक रुक जाएंगे और तब तक व्यूज देखे आगे चलिए। वर्ली में अभी नया प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं और आपको न्यू मुंबई का फेस आप देखना है। ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट बस पे डिजिटल बस पे बस स्टेशन वगैरह आपको दिखाना है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में है। तब तक देखिए मुंबई का फ्लाईओवर्स, पहले भी आपको बताया वीडियो में जो मुंबई में बहुत सारे फ्लाईओवर्स आ गया जो ट्रैफिक जाम कम हो गया। ये देखिए वर्ली नेहरू प्लैनेटोरियम के डिस्टेंट व्यू, बहुत अच्छा व्यू है, फैंटास्टिक व्यू और बाहर से दिखता है। इधर एक सामने एक गार्डन भी है, अच्छा से मेंटेन किया गार्डन। और आगे आपको प्लैनेटोरियम का और सराउंडिंग्स और डिजिटल बस स्टेशन बस बे उसके वीडियो आगे दिखाने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो इधर वाइंड अप हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे इंतजार कीजिए।